बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी तो बहुत ही स्पेशल और मज़े की होने वाली है। आज हम आपको सिखाएंगे मलाई बोटी रोल। इतने टेस्टी और इसमें स्पेशल सॉसेस तैयार की जाएंगी जो इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर देंगी। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो आइए चलते हैं इसके इन्ग्रीडियंट की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल के। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और जिस तरह से हम अपना आटा गूंदते हैं रोटियां बनाने के लिए, उसी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे इसमें और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आप इसमें पानी ऐड करते जाएँ और इसको गूंदते जाएँ। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। अब हमने देखें इस तरह से आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, ठीक है। अब आपने ऑयल लेना है, हाथ पे ऑयल ग्रीस करना है और इसको लगा देना है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपना चिकन रेडी करते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं, 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसके इस तरह से क्यूब्स में आप कटिंग कर लीजिए। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून मैंने ली है ग्रीन चिली का पेस्ट। 5 से 6 ग्रीन चिली ले लीजिए आप और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी पेस्ट बना लीजिए। 1/4 कप मैंने ली है दही। 1/3 कप जो आपके घर दूध आता है उस पर जो मलाई आती है वो वाली मलाई है। 1/3 कप ही मैंने फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास मलाई मौजूद ना हो, घर में मलाई अवेलेबल ना हो, तो आप फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों चीजें यूज करेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मलाई बोटी। और स्पाइसेस में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। हमारी सारी चीजें हैं जो इसमें मैरिनेशन में हम यूज करेंगे। तो आइए अब इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे चिकन में सबसे पहले इसमें जाएगी हमारी दही, ग्रीन चिली का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो हमारे सारे स्पाइसेस थे ये जाएंगे इसमें, ये हमारा लेमन जूस, ये जो हमारी मलाई थी और ये जो हमारी फ्रेश क्रीम थी ये जाएगी इसमें। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से इसमें मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए, फिर हम इसको बनाने की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट रखें तो आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कम टाइम है तो कम से कम आप उसको 2 घंटे तो लाजमी रखें। मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये देखिए इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं और ये जो हमारा सारा मैरिनेटेड चिकन था ये चला जाएगा इसमें। ये जो इसकी सारी ग्रेवी है सारी आपने इसके अंदर ही डाल देनी, इसी के अंदर ये कुक होगा। ये जो हमारी ग्रेवी है सारी इसकी, ये जो हमने इसको मैरिनेट किया था, इसी से इसका ज़बरदस्त फ्लेवर निकलेगा। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसी ग्रेवी के अंदर हमारा चिकन ईजिली टेंडर हो जाएगा। इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। ये देखिए जी, अच्छे से हमने अपने चिकन को मिक्स कर दिया। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये जी 15 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं 15 मिनट में चिकन की कंडीशन कैसी हो गई है। ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको 10 मिनट और कवर करके कुक करेंगे ताकि अच्छे से पानी ड्राई हो जाए और चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो जाए इसमें। अभी देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। देखें पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। मलाई बोटी हमारी बिल्कुल अब तैयार है। अब हम इसकी स्पेशल सॉसेस तैयार करने की तरफ चलते हैं जो इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करने वाली हैं। मैंने लिए हैं मायोनीज के। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेगानो। 1 टीस्पून इसमें जाएगी ग्रीन चिली। 3 से 4 सबस मिर्चे ले लें, उसकी आप पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस और 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं फ्रेश क्रीम के। 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे दही के। ये दही चलेगी हमारी इसमें। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपने। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना आपने। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप 2 क्लोव आप ले लीजिए गार्लिक के, उसको बिल्कुल फाइन चॉप करके ग्रेटेड करके आप इसमें डाल सकते हैं वो। ये देखिए जी अभी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने अपनी रेड सॉस तैयार करने की तरफ। 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं मायोनीज के। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे फ्रेश क्रीम के। 2 टेबलस्पून चिली सॉस। 3 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड कर दें आप।
टू टेबलस्पून टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस का। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। अच्छे से अगेन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। ये देखिए जी, हमारी रेड सॉस भी बिल्कुल तैयार है। दोनों सॉसेस हमारी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा इस पे मैदा डस्ट कर लें आप। आपने इसको पेड़ा बना लेना, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह से नॉर्मल साइज का पेड़ा आपने ले लेना। इसको हम बेल लेंगे। इसकी सॉस, इसकी फिलिंग बहुत ही स्पेशल है। आप इसको इसी तरह से बनाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए जी, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हमने बेल लेना। ये हमारा रेडी है पराठा बना तैयार करते हैं। पहले थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया था, ये जाएगा इस पर। अब हम इस साइड पे ऑयल लगाएंगे, साइड को टर्न कर देंगे, इस साइड से अच्छे से कुक करेंगे। अच्छा से इसका कलर आ जाएगा, फिर हमारा पराठा डन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने इसको घुमाते जाना ताकि हर साइड से इक्वली कुक हो और इक्वली कलर आ जाए। इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इस तरह से भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं हम। ये देखिए, दोनों साइड से कुक हो चुका है। अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी सारे पराठे रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने 6 पराठे अपने तैयार कर लिए। ये जो चटनी है जो मैंने आपके सामने बनाई है, एक ये हमारी रेड सॉस, और ये वाली जो सॉस है ये स्पेशल मलाई बोटी पराठे में स्पेशल सॉस है। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लिया, और ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया। ठीक है, ये हमारी चटनी हो गई। ये हमारे पराठे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये चटनी होगी हमारी। एक लार्ज साइज का मैंने प्याज लिया, उसको रिंग में मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और ये सलाद पत्ता मैंने एक लिया है, और जो ये चिकन आपके सामने मैंने तैयार किया था। ये देखिए जी, हमने इसको रैप करने के लिए बटर पेपर ले लिया है। अब ये जो हमारा पराठा था, ये जो हमारी गार्लिक वाली सॉस थी, ये वाली लगाएंगे अच्छे से इस पर। ये जो रेड सॉस थी, ये अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे सलाद पत्ता अपना। अब यहाँ पे हम अपना चिकन लगाएंगे। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, चाहे तो उसको कटिंग करके भी आप रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सारा अच्छे से चिकन की क्वांटिटी आपकी अपनी मर्जी है, जितना चाहे आप ले सकते हैं चिकन। अब ये जो हमारा प्याज था, ये जाएगा इस पर। और ये जो हमारी स्पेशल चटनी थी, ये थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर लास्ट में आपने इस तरह से डालनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा आप कम रखें। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से रैप कर देंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अगर आप ये सलाद पत्ता इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको कटिंग करके इसके अंदर भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्जी। वाओ, ज़बरदस्त मलाई बोटी रोल हमारा तैयार हो चुका है। ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मज़े मज़े के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।